एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MSA टॉक्स पर। तो बात करेंगे आज एक स्पेशल अपडेट पर कि झारखंड में आखिर कब होगी शिक्षक नियुक्ति, क्योंकि अंतिम बार JTET की परीक्षा 2016 में हुई है और 2019 में होने का बहुत ज़्यादा चांस था जो कि नहीं हो पाई, और 2021 को झारखंड सरकार के द्वारा नियुक्ति का वर्ष भी घोषित किया हुआ था, और ऐसा उम्मीद भी था स्टूडेंट्स को कि 2021 में शिक्षकों की नियुक्ति भी होगी और JTET परीक्षा भी होगी। लेकिन 2021 तो गुजर गया है, और आप लोग बता दें कि 2021 में वैसे तो शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है और ना ही JTET की परीक्षा हुई है, जो हर एक स्टूडेंट्स का जो टीचर बनने की चाहत रखते हैं, जो इंतज़ार था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इस साल में नियमावली बनाने और संशोधन में ही गुजर गया साल, नहीं हो सकी शिक्षकों की नियुक्ति और ना हुई पात्रता परीक्षा, ये तो आप सभी को पता होगा। लेकिन हम इस पर बात करेंगे कि नए साल में टीचर्स वैकेंसी आएगा भी या फिर नहीं। तो हो सकता है, उम्मीद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लगातार 3-3 वैकेंसी झारखंड में रिलीज़ किया गया है और आने वाले दिनों में बहुत जल्द झारखंड में टीचर्स की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। तो क्यों बता रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, एक एक करके पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले आप लोग बता दें कि झारखंड में क्यों टीचर्स की ज़रूरत है और टीचर्स की नियुक्ति क्यों होने जा रही है। उससे पहले आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि झारखंड में शिक्षा विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी योजना शुरू होने जा रही है, जिसका नाम है स्कूल ऑफ एक्सलेंस। और ये जो प्रोग्राम है, इसमें सरकारी स्कूलों के बच्चे को CBSE की तर्ज पर पढ़ाई यानी पठन पाठन होगा, और इसके लिए टीचर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहेगा, और इसीलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द झारखंड में शिक्षक नियुक्ति के साथ साथ JTET की परीक्षा, जो कि लंबे समय तक नहीं हो पाई है, स्टूडेंट्स को जो लंबे समय से इंतज़ार था वो पूरा होने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो शिक्षा विभाग की बड़ी योजना में स्कूल ऑफ एक्सलेंस को नए साल में शुरू करना शामिल है। इसकी प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। पहले चरण में राज्य भर में 80 स्कूल ऑफ एक्सलेंस की शुरुआत होगी। तो ये एक बहुत बड़ी योजना है शिक्षा विभाग की तरफ से, और इसमें शिक्षकों की बहुत बड़ी ज़रूरत देखने को मिल सकती है, इसीलिए झारखंड में बहुत जल्द टीचर्स बहाली देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नए साल में शिक्षक बनने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति करने जा रही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी के अनुसार पहले चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें 13,000 पदों पर सीधी नियुक्ति और 13,000 पद 12 शिक्षकों के लिए आरक्षित है। ठीक है, यहाँ पे बार बार शिक्षा मंत्री के द्वारा ये जो बात कही जा रही है, ये आपका 2021 में ही वैकेंसी देखने को मिल सकती थी, लेकिन क्यों नहीं आया आपको बता दें कि जो शिक्षकों से रिलेटेड यानी JTET के लिए जो प्रावधान किया गया था, नए नियमावली बनाया गया था, उसमें बाद में जो भाषाओं को जिलावार शामिल किया गया है, उसी के तहत दोबारा से इस नियमावली को आकार देने में जुट गया है, जिसके कारण झारखंड में जो JTET होने का पूरा चांस भी था, लास्ट अंतिम समय पर फिर से दोबारा से नई नियुक्ति और उसमें संशोधन करना था भाषाओं को लेकर, और इसके चलते JTET नहीं हो सका। लेकिन मार्च तक JTET या फिर शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और इसमें जो शिक्षा मंत्री की तरफ से बार बार बात उठाया जा रहा है कि 26,000 शिक्षक नियुक्ति, तो उसमें बता दें कि 13,000 पद जो है 12 शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगे, बाकी 13,000 पर सीधी नियुक्ति होंगी। अभी तक जो अपडेट आ रहा है, इन 13,000 जो सीधी नियुक्ति होंगी उसमें JTET पास को मौका दिया जा सकता है, बाकी इसके अतिरिक्त और दूसरा कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो भी अपडेट आएगा आप लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 26,000 शिक्षकों में से 13,000 पारा शिक्षकों के लिए और 13,000 पद सीधी भर्ती के लिए। तो झारखंड के शिक्षा मंत्री के द्वारा ये बात बार बार उठाई जा रही है कि मार्च 2022 तक यानी आने वाले मार्च 2022 से पहले झारखंड में शिक्षक नियुक्ति देखने को मिल सकती है, लेकिन JTET की परीक्षा भी के आयोजन की तैयारी भी चल रही है। तो सरकार साल 2022 में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी JTET भी कराने की योजना बना रही है। 2016 के बाद इस वर्ष पहली बार आयोजित होगी। आपको बता दें कि BEd और DLED पास अभ्यर्थी बहुत लंबे समय से राज्य सरकार से JTET परीक्षा आयोजित करवाने की मांग करते आ रहे हैं। इस वर्ष TET परीक्षा के आयोजन को लेकर विभागीय प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो ये अपडेट है झारखंड में शिक्षक नियुक्ति को लेकर। तो सबसे पहले आप लोग बता दें कि झारखंड में हम सभी उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो, क्योंकि लंबे समय से झारखंड में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, और JTET भी जल्द से जल्द लिया जाए ताकि झारखंड के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके, और जो शिक्षक बनने की चाहत रखते हैं उनको इस मौका को सुनहरा मौका बनाने में मौका मिले।